नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेबी न्यूज। पेश है आज की कुछ खास खबर। जहां पत्रकारों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं, वहीं ऑल इंडिया मीडिया काउंसिल की तरफ से थाने के बिहंग होटल में कई पत्रकारों और कलाकारों को सम्मानित किया गया। हम आपको बता दें कि यह संस्था अहमदाबाद की है, लेकिन यह संस्था लगातार पत्रकारों के हित के लिए काम करती रहती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं थाने के बिहंग होटल में। यहाँ पे एक मीडिया काउंसिल का प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारी मीडिया एसोसिएशन है जो पत्रकारों के लिए काम करती है। वहीं एक यहाँ पे ऑल इंडिया मीडिया काउंसिल करके संस्था है जो पत्रकारों के लिए प्रोग्राम किया है। आइए हम जानते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी से कि आखिर में क्यों ये मीडिया काउंसिल चला रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल मीडिया काउंसिल। जी सर, बताएंगे कि ये जो काउंसिल आपने बनाया है, क्या सोच के बनाया है? ऐसे पूरे हिंदुस्तान में तो पत्रकारों के हित के लिए अनगिनत संस्थाएं बनी हुई है, लेकिन पत्रकारों की जो समस्याएं होती हैं उसके लिए काम नहीं करती हैं। एक मेरा उद्देश्य था कि पत्रकार एक जान को जोखिम में डालकर एक खोजी पत्रकारिता करता है, वो न्यूज लाता है, लेकिन जो उसके संपादक होते हैं उसकी न्यूज को कहीं ना कहीं हटा देते हैं जी। लेकिन सरकार उनके लिए कभी कोई मुआवजा नहीं देती है। तो अगर एक एमपी एमएलए होता, अगर एक बार एमपी एमएलए बनता तो उसके लिए आजीवन एक पेंशन योजना और उसके लिए आवास भत्ता बहुत सारी योजनाएं लागू, मात्र एक बार के लिए एमएलए बनने पर। लेकिन पत्रकार तो हमेशा अवैतनिक रूप में काम करता है, उसके लिए कोई योजना नहीं है। इसको ध्यान में रखकर मैंने ऑल मीडिया काउंसिल की 5 मार्च 2015 को स्थापना किया, और ऑल मीडिया काउंसिल हर स्टेट में पत्रकारों के लिए काम करती है। किसी पत्रकार के साथ कभी कुछ घटना घटती है, उसके लिए सरकार के साथ अपनी मांग रखना, उसके साथ बैठकर सकारात्मक बातें निकालना, हल निकालना, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, गवर्नर से, काफ़ी लोगों से मिलकर इसका हल निकालने के लिए काम किए हैं और काम चालू है। और हर साल हम एक स्थापना दिवस के अवसर पर अवार्ड फंक्शन करते हैं। ये अवार्ड फंक्शन पत्रकारों के लिए ही नहीं, साथ में जो अनेक क्षेत्र में काम करते हैं, एजुकेशन क्षेत्र है, फिल्म क्षेत्र है या सामाजिक क्षेत्र है, हर क्षेत्र के लोगों को इस मंच पर बुलाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। सर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, और अहमदाबाद बिलोंग करने के बाद भी आप आज महाराष्ट्र की धरती पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसका क्या लक्ष्य है सर? नहीं, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। पहला मैंने अवार्ड फंक्शन अहमदाबाद में किया था, मेरा 2017 का अवार्ड फंक्शन दिल्ली में था, और इस साल मैंने मुंबई में किया है। और मुंबई में क्या है कि हर क्षेत्र के लोगों को मैं लेता हूं, तो मुंबई एक माया नगरी है, और इसलिए मैं सोचा कि यहां के पत्रकारों के बीच भी अपनी बात पहुंचाया जाए और उनको अपने साथ जोड़ा जाए कि पत्रकार अकेला नहीं है, पत्रकार एक एक यूनियन है, और उनके सुख दुख में हमेशा हम साथ रहने के लिए हैं। कभी भी किसी भी पत्रकार साथ कोई घटना घटती है तो उनके साथ हमेशा तत्पर खड़े हैं। और सर यहाँ पे देखने को मिला कि कई सारे विश्वकर्मा वंशज के जो स्टार थे उनको अवार्ड दिया गया, कई पत्रकारों को अवार्ड दिया गया। तो सर आप विश्वकर्मा वंशी हैं, तो ज्यादातर ऐसा तो नहीं कि जो भेदभाव किए हैं विश्वकर्मा? पहली बात तो जो विश्वकर्मा वंशी हैं हमने कोई भेदभाव नहीं किया। दूसरी, विश्वकर्मा समाज में हमारी एक से अनेक विभूतियाँ हैं जिनको एक मंच पे लाया नहीं जा सकता है। तो अगर मैं विश्वकर्मा हूँ तो पहला मेरा फर्ज है कि कुछ हमारे समाज के अच्छे लोग हैं तो उनको अपने मंच पर लाऊं। प्रोग्राम मेरा है, फाउंडर मैं हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे प्रोग्राम में समाज के लोग भी, मैं उनको इंक्लूड करूँ। मेरे समाज में ब्राह्मण समाज से, राजपूत समाज से और मुस्लिम समाज से सभी क्षेत्र के लोगों को चुना हूँ, ना कि मैं विश्वकर्मा, मैं सर्वप्रथम सर्वमानव हूँ, इसके लिए बाद में मेरे लिए समाज आता है। जी सर, जो आज तक देखा जाए तो इस समय यहाँ पे बहुत सारे पत्रकारों के ऊपर हमले चल रहे हैं, ठीक है, उसको लेके सरकार कोई कड़े कदम जो नहीं ला रही है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? नहीं, सरकार देखिए इसमें क्या कि हमारी जो आज की पत्रकारिता है कुछ बलगर पत्रकारिता हो गई है। जो पत्रकार अपने को कहते हैं उनके पास एबीसीडी का ज्ञान नहीं हुआ, फिर भी अपने को पत्रकार, इसलिए सरकार को मालूम है कौन पत्रकार है कौन नहीं पत्रकार है। आज आपको एक 500 रुपये में आई कार्ड बना के दे दिया जाए तो आप बोलोगे मैं पत्रकार हूँ, तो पत्रकार की कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं आज जो अच्छे पत्रकार हैं उनको सोचने का समय है और अपने विचार को रखें, तो ही जो अच्छी पत्रकारिता हो आज अपनी मूलभूत को जो समस्याएं हैं जनता तक पहुँचा सकती है। एक लास्ट सवाल सर आपसे कि जो ये संस्था आप बनाए हैं अभी तक कितने देशों राज्यों में काम कर रहे हैं? हमारी जो ऑल मीडिया काउंसिल है महाराष्ट्र चालू है, राजस्थान है, पंजाब है, चंडीगढ़, हरियाणा है, शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, पानीपत, सोनीपत, करनाल, रोहतक, नोएडा, उत्तर प्रदेश,
हर स्टेट में लगभग हम इसको पहुंचा चुके हैं और हमें हर स्टेट में हमारे इसके पदाधिकारी हैं। और सर पत्रकारों के हित के लिए जो आपने बोला फंड और ये नेताओं के लिए है, इनके लिए नहीं, हाँ, पत्रकारों के तो इसके लिए हमने सरकार से हमारी 8 मांगे हैं जिसमें पत्रकारों के लिए उचित मानदेय का निर्धारण हो, हर स्टेट में पत्रकारों के लिए पत्रकार कानून का आवंटन हो, पत्रकारों के लिए दुर्घटना बीमा का वो हो कि कभी किसी पत्रकार के लिए 10 लाख 15 लाख की एक दुर्घटना बीमा हो, पत्रकारों के लिए हेल्थ बीमा हो, इसलिए हमारी सरकार से तब बातें चालू है और कई स्टेट में सकारात्मक इसके परिणाम भी आए हैं। ज्ञानेंद्र जी लगातार कई सारे पत्रकारों के ऊपर कई पत्रकार मारे गए हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कई सारे भाषण दिए हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री के अभी जो भाषण रहे हैं वो नकारात्मक रहे हैं, मैं सकारात्मक नहीं मान रहा हूँ, तो कहीं भी वो भाषण दिए हूँ। आज हर आयोग का गठन हो रहा है, विधि आयोग है, योजना आयोग है, निधि आयोग है, सब आयोग का गठन हो रहा है, इसलिए आज कमीशन के लिए कर बात चली है, तो मैं पत्रकारों के लिए भी कमीशन एक आयोग बनाने की सरकार से मांग कर रहा हूँ और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को बहुत जल्द ही मीडिया काउंसिल के लेकर पहले उनको लेटर लिखने वाला हूँ कि पत्रकारों के लिए पत्रकार आयोग का गठन करें। और सर अगर ये गठन करने में देरी हो या पारित नहीं हो तो अगर गठन देखिए हर योजना आयोग का गठन होता है तो सरकार का इसके मंडल होता है और इसके विचार करती है, हम सरकार के साथ बैठेंगे और उसका सकारात्मक सरकार साथ बैठकर विचार लगेंगे और जल्द से जल्द इस कमीशन का गठन किया। तो ये थे ऑल मीडिया काउंसिल के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी और इन्होंने देख क्या कहा, पत्रकारों के हित के बारे में लड़ते रहते हैं लगातार और लड़ते रहेंगे इनका कहना है। थाने से चंदूषण विश्वकर्मा की रिपोर्ट, जेजेवी न्यूज थाने। आप जेजेवी न्यूज की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।